लाइफ में कहा करता था। मैंने हेलमेट नहीं निकाला। आईडी, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। सौरभ ने मेरा पुराना आईडी उसके सामने पेश कर दिया। वैलिड अंटिल वाला तारीख उसने अपने अंगूठे से छिपा रखा था। कितने कमाल की बात है, अल्कोहल के नशे के बावजूद दिमाग की ये बात मालूम थी कि सिक्योरिटी को गच्चा कैसे दिया जाता है। गार्ड ने हमें अंदर जाने दिया। मैं कैंपस में घुस आया और हिमाद्री हॉस्टल की सड़क पार कर ली। पुलिस वाले आ रहे हैं क्या, मैंने पूछा। सौरभ ने पीछे देखा। नहीं, वे मेन गेट के बाहर ही रुक गए। वे लोग इस कैंपस के अंदर नहीं आते, मैंने दांत दिखाते हुए कहा। पुलिस वालों को आईआईटी स्टूडेंट्स के बारे में पता था। ये कभी भी अपने बाइक उठाकर बाहर घूमने चले जाया करते थे। अधिकतर मौकों पर पुलिस उन्हें जाने देती थी, लेकिन ये कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं था। अब पुलिस वालों के पास तुम्हारा बाइक नंबर है, उनके पास और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन अब हिमाद्री के अंदर कैसे जाओगे, जैसे पहले जाता था पेड़ पर चढ़कर। सीरियसली भाई, तुम अब स्टूडेंट्स नहीं हो, ना केवल तुम मुसीबत में पड़ सकते हो बल्कि जेल भी जा सकते हो। रिलैक्स, मैंने हिमाद्री के 50 मीटर पहले बाइक पार कर दी। गर्ल्स हॉस्टल के मेन एंट्रेंस पर 24 घंटे सिक्योरिटी रहती थी और हर घंटे एक पेट्रोलिंग जीप भी यह देखने के लिए चक्कर लगाती रहती थी कि कहीं गार्ड सो तो नहीं गए। उसके अंदर जाने का इकलौता रास्ता आम का वो पेड़ ही था। रूम नंबर 105 हिमाद्री के फर्स्ट फ्लोर के सबसे कोने वाला रूम था। वह दूसरे रूम से कटा हुआ था और 5 साल पहले आईआईटी ज्वाइन करने से लेकर अब तक जारा वहीं रहकर पढ़ाई कर रही थी। उसके कमरे की खिड़की बहुत बड़ी थी और उसके ठीक सामने वह आम का पेड़ था। यह रूम बहुत डिमांड में रहता था और जारा की खुशनसीबी थी कि पीएचडी स्टूडेंट के रूम में आईआईटी ज्वाइन करते ही उसे यह रूम मिल गया था। हम इस रूम 105 को अपना लिटिल होम कहा करते थे क्योंकि यहीं पर हमारी सबसे ज़्यादा मुलाकातें हुआ करती थी। मैं कभी जारा को अपने हॉस्टल्स लेकर नहीं गया था। लड़कियों को हॉस्टल में ले जाने की इजाज़त तो खैर नहीं थी। मैं इस बात को लेकर भी सचेत रहता था कि वहाँ के लड़के लड़कियों को कितने भूखे थे। ऐसे में जारा को वहाँ लेकर जाना और अपने कमरे में बंद हो जाना उनके जख्म पर नमक छिड़कने जैसा रहता। इजाज़त तो मुझे हिमाद्री में जाने की भी नहीं थी, लेकिन अगर आप चुस्त दुरुस्त हो तो रूम नंबर 105 के बाहर वाला वो आम का पेड़ अंदर आने में आपकी मदद कर सकता था। मैं हफ्ते में एक रात उस पेड़ की मदद से हॉस्टल में ज़रूर चले जाया करता था और सुबह होने से पहले लौट भी आया करता था। वहाँ पर कभी किसी को यह नहीं पता चला कि जारा के यहाँ कोई लड़का आया करता था। यह पूरा सिस्टम बेहतरीन ढंग से काम करता रहा जब तक कि हमारा ब्रेकअप नहीं हो गया। सौरभ और मैं हिमाद्री हॉस्टल के उस आम के पेड़ तक जा पहुँचे। मैंने अपनी जैकेट निकाली। तो तुम इस तरह से अंदर जाते थे, सौरभ ने बोलना शुरू किया, लेकिन मैं उसे चुप करा दिया। धीरे बोलो प्लीज़, उसका रूम कहाँ है, सौरभ ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने खिड़की की ओर इशारा किया। और अगर तुम यहाँ से गिर गए तो दर्जनों बार यह कर चुका हूँ, लेकिन ब्लेंडर स्प्राइट पीकर नहीं, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैंने वार्म अप करते हुए कहा। फिर मैंने पेड़ का तना पकड़ा और पहली डाल पर चढ़ गया। मैं यहाँ सब इतनी बार कर चुका था कि अब मुझे इसकी आदत हो चुकी थी। पेड़ पर चढ़ जाने के बाद मैंने सौरभ को देखा और फुसफुसाते हुए कहा, तुम यहाँ वेट करो, कोई आए तो खास देना, इससे क्या होगा, होगा तो कुछ नहीं। अच्छा, फिर ऐसा करना कि कोई आए तो उसे बातों में उलझा लेना और यह समझाने लगना कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। क्या, मैं किसी को यह कैसे समझाऊँगा कि एक कोचिंग क्लास ट्यूटर रात के 3 बजे गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहा है, मुझे क्या पता, मैंने अपने चेहरे से पेड़ के पत्ते हटाते हुए कहा। भाई, तुम यह सब बिना सोचे समझे कर रहे हो। कोई बात नहीं, यहाँ कोई नहीं आएगा, मैंने कहा और ऊपर देखा। कुछ और इंच ऊपर चढ़कर मैंने नीचे देखा। डैम, बिग प्रॉब्लम, मैंने कहा। सौरभ का मुंह उतर गया। क्या, मैं उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आया? सीरियसली भाई, इसको तुम बिग प्रॉब्लम बोलते हो? मैं सालों बाद उससे मिल रहा हूँ, उसका बर्थडे है पर मैं खाली हाथ चला आया। उसको बाद में एक अमेजन वाउचर भेज देना, लेकिन अभी प्लीज़ जो काम करने आया हो वह कर लो, ना गिफ्ट ना केक, लानत है, मैंने बढ़वाते हुए कहा। पेड़ पर चढ़ते समय मैंने पाया कि मेरी फिटनेस लेवल अब पहले जैसे नहीं रही। शायद चंदन क्लासेस में गणित पढ़ाने का यह नतीजा था, क्योंकि जब मैं आईआईटी में था तो वॉलीबॉल टीम का कप्तान हुआ करता था। मैं जारा की खिड़की के पास पहुंचा। उसने खिड़की को थोड़ा सा खोल रखा था, जैसा ही वह पहले किया करती थी। मैंने खिड़की खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया।
कमरे में अंधेरा था, शायद वह सो चुकी थी या शायद वह मुझे सरप्राइज देने के लिए सोने का नाटक कर रही थी। ज़ारा थोड़ी सी पागल थी मेरी तरह, यह कम से कम जब मैं उससे जानता था तब वह थोड़ी सी पागल हुआ करती थी, शायद इसलिए हम दोनों के बीच बात बन पाई थी। पेड़ की डालें अब बढ़ चुकी थी इसलिए पहले की तरह मुझे कमरे में कूदना नहीं पड़ा। मैंने खिड़की पर पाँव रखा और भीतर चलाया। हैप्पी बर्थडे टू यू, खिड़की बंद करते हुए मैं धीरे धीरे गुनगुनाने लगा। मैं दबे पाँव कमरे में चला आया और मेरी आँखें अंधेरे की अभ्यस्त होने की कोशिश कर रही थी। कमरे में केवल हीटर की धीमी आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। हैप्पी बर्थडे डियर ज़ारा, मैंने गाना जारी रखा। मैं उसके बिस्तर के पास चला गया था, आखिर उसने ही मुझे यहाँ बुलाया था। लेकिन मैं यह तय नहीं कर पा रहा था कि पहले की तरह उसके बिस्तर में घुस जाना और उसे बाहों में भर लेना अभी ठीक होगा या नहीं। नहीं, अब हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं, अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन यह उसी ने तो कहा था कि वह मुझे मिस कर रही है। मैंने फ़ोन निकाला और टॉर्च ऑन किया। वाइट LED लाइट ने कमरे में रोशनी की। मुझे बिस्तर पर ज़ारा सोते हुए दिखाई दी। चादर से उसका चेहरा आधे से ज़्यादा ढका हुआ था। ज़ारा, मैंने कोमल स्वर में कहा, मैं केशव, मैं आ गया हूँ। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने बेडसाइड लैंप का स्विच खोजा और लाइट जला दी। ज़ारा बिस्तर में सो रही थी और उसके सफ़ेद चादर पर पिंक फ्लावर्स बने हुए थे। हे बर्थडे गर्ल, मैंने कहा, मैं तुम्हें विश करने आया हूँ। अब भी कोई हलचल नहीं हुई। ओके, नाइस एक्टिंग, वेरी क्यूट, मैंने सोचा। मैंने कमरे में देखा, उसके बेड साइड टेबल पर पेपर शीट्स का एक बंडल रखा था, शायद स्टडी मटेरियल। उसका आईफोन उसके ऊपर रखा था और चार्ज हो रही थी। हमेशा की तरह ज़ारा के पास जॉनसन बेबी लोशन रखा था। वह उसे चेहरे और बदन पर लगाती थी और इसलिए उसमें से हमेशा बच्चों जैसी खुशबू आया करती थी। है जॉनसन बेबी, उठ जाओ। मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया और उसे हल्के से हिलाया, लेकिन वह नहीं हिली। क्या वह भी ड्रिंक कर रही थी? कहीं उससे नशे की हालत में तो मुझे यह नहीं बुला लिया था? क्या वो एक्टिंग कर रही थी और मुझे वेट करा रही थी, या फिर शायद वह मुझे बिना कुछ कहे बिस्तर में बुला रही थी? मेरा दिमाग किंतु परंतु में उलझा हुआ था। कभी कभी यह तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसी लड़की के साथ कैसे बर्ताव करें। मेरे अंदर का एक हिस्सा तो बोल्ड कदम उठाना चाहता था, चुपचाप उसके बिस्तर में घुस जाओ और उसको किस करके हैप्पी बर्थडे बोलो। वह बोल्ड आवाज़ मुझसे कह रही थी, ओके, लिप्स पर ना सही, फॉरहेड पर ही सही। फॉरहेड वाले किस से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, मेरे अंदर से एक और आवाज़ बोली। नहीं इसे बिगाड़ो नहीं, उसने तुम्हें बुलाया है, उसे ही तय करने दो, एक तीसरी आवाज़ ने कहा। मैं मन मार कर ही सही इस तीसरी आवाज़ की बात मान ली, लेकिन चाहे जो हो मुझे उसका उठाना तो था ही। मैंने फिर ज़ारा का कंधा हिलाया, इस बार थोड़ा ज़ोर से, वह अब भी नहीं उठी। मैंने उसके चेहरे से चादर खिसका दी, लेकिन वह जैसे गहरी नींद में चुपचाप लेटी हो। ओके ज़ारा, बहुत मजाक हो गया, मैं यहाँ तक चलकर तुम्हें विश करने आया हूँ, हैप्पी बर्थडे। वह टस से मस नहीं हुई। तुम उठोगी या नहीं? कोई जवाब नहीं। ज़ारा, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, मैं बेड में आकर तुम्हारे साथ सो जाऊँगा, शायद तब जाकर तुम जागो, मैंने हंसते हुए कहा। लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। तब मैं उसे पीछे से ढकेलने के लिए झुका। मुझे उसका शरीर भारी महसूस हुआ। ज़ारा, इस बार मैंने ज़ोर से कहा, तुम ठीक हो ना? मैंने उसके माथे को छुआ, वह बर्फ़ की तरह ठंडा था। मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा, कुछ तो गलत था। मैंने चादर को उसके चेहरे के नीचे खिसकाया तो देखा कि उसकी गर्दन पर लाल निशान थे। ज़ारा बेबी, मैंने कहा। मैंने उसके गाल, आँख, कानों को छुआ, लेकिन सब कुछ ठंडा था। वेक अप, मैंने कहा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं किसे कह रहा था। मैंने रूम की मेन लाइट जला दी। 100 वाट की तेज रोशनी से मेरी आंखें चुंधिया गई, लेकिन अब मैं ज़ारा को और गौर से देख सकता था, जो बिना किसी हलचल के लेटी हुई थी। ज़ारा, मैंने ज़ोर से कहा। मैं अपनी उंगलियों को उसके नाक के पास ले गया। मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ, मैंने फिल्मों में देखा था कि कैसे नब्ज देखी जाती है। मैंने ज़ारा की पतली ठंडी कलाई उठाई, वहाँ कोई धड़कन नहीं थी। मैंने बार बार चेक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं था। तो क्या ज़ारा मर चुकी थी? मेरा दम घुटने लगा, मुझे खुली हवा की दरकार थी। मैं उठा और खिड़की को पूरा खोल दिया। मैंने नीचे देखा, चांदनी में मुझे सौरभ दिखाई दे रहा था। वह वहीं खड़ा था और एक पैर से
दूसरे पैर पर अपने वजन को शिफ्ट कर रहा था। उसने मुझे खिड़की में देखा और हाथ हिलाया। फिर उसने नीचे की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब मुझे लौट जाना चाहिए। मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका। मैं फिर से कमरे में गया। नहीं, मेरी जरा इस तरह नहीं मर सकती है। क्या यह कोई बुरा सपना होगा? मैं चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा, यह उम्मीद करते हुए कि वह अब जाग जा उठेगी। मेरी जेब में फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मैंने सौरभ को कॉल पिक किया। वह शरारत भरे स्वर में बोल रहा था, भाई चल, तू फिर से अंदर चले गए। किस्मत मेहरबान है क्या? मैं यहाँ रुक जाऊँ या जाऊँ? सौरभ, मैंने कहा और चुप हो गया। हाँ सौरभ, ऊपर आओ। क्या? जल्दी से यहाँ आओ। लेकिन तुम मुझे अपने गर्लफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड के रूम में क्यों बुला रहे हो? आई बैग यू सौरभ, जल्दी आओ, मैंने लगभग रुहासा होते हुए कहा। वह समझ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं ऊपर आया तो जारा को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बस आ जाओ, मैंने कहा और फ़ोन रख दिया। इसके बाद मैं फिर से खिड़की पर चला गया और उसकी मदद करने के लिए पेड़ के तने पर फ़ोन की फ्लैशलाइट दिखाने लगा। उसने नर्वस तरीके से आसपास देखा और पेड़ पर चढ़ने के लिए एक टांग उठाई। आम का पेड़ चरमराया। या ये पेड़ आखिरकार बंदरों की उछल कूद के लिए डिजाइन किए गए हैं, इसलिए नहीं कि 90 किलो का ओवरवेट मनुष्य उस पर चढ़े। ध्यान से अब बायां पैर अगली डाल पर रखो, मैं धीमी आवाज़ में उसे निर्देश देता रहा। खुशकिस्मती से इस पूरे कांड को किसी ने होते हुए नहीं देखा। उसने खिड़की के फ्रेम पर पैर रखा और मैंने उसे अंदर खींच लिया। क्या बात है भाई, उसने कहा। मैंने खिड़की बंद की और भीतर से चिटकनी लगा दी। उसने उसे बेड में लेटा देखा। वो सो रही है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तुमने अभी तक उसे उठाया नहीं? वो मर चुकी है। सौरभ को जैसे जोर का झटका लगा। क्या? उसने चीखते हुए कहा। धीरे बोलो, ये गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पुरुषों की आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए। पुरुषों की आवाज़ की ऐसी की तैसी भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो? सौरभ ने कहा। उसकी आवाज़ और ब्लड प्रेशर दोनों ही और तेज हो गए थे। मैंने उसकी गर्दन पकड़ी और अपने हाथ से उसका मुंह दबा दिया। प्लीज़ चुप रहो, मैंने कहा। तुम मुझे भी डरा रहे हो, एकदम चुप, समझे? सौरभ ने सिर हिला दिया। मेरा हाथ अब भी उसके मुंह पर था, लेकिन मैंने उसकी पकड़ को अब ढीली कर दी थी। सौरभ ने खांसते हुए कहा, आर यू श्योर? हो सकता है कि उसकी तबीयत ठीक ना हो। नहीं, वह अब इस दुनिया में नहीं है। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका है, उसकी सांसें नहीं चल रही हैं। ज़रा उसका चेहरा देखो, मैंने कहा। उसने उसके गर्दन पर लाल निशान देखे। लेकिन यह हुआ कैसे? मुझे क्या मालूम, मैं जब यहाँ आया तो ये सब ऐसा ही था। लेकिन उसी ने तुम्हें मैसेज करके बुलाया था, सौरभ ने कमरे में यहाँ से वहाँ तक टहलते हुए कहा। हाँ, मैंने कहा और अपना फ़ोन खोल लिया। यह कोई सपना नहीं था, फ़ोन में उसके मैसेजेस थे। वह मुझे मिस कर रही थी और यह चाहती थी कि मैं उसे खुद यहाँ आकर मिस करूँ। मैं जारा के स्टडी चेयर में बैठ गया, उसके चेहरे को गौर से देखता, किसी सोते हुए बच्चे की तरह शांत चेहरा। मेरा प्यार मर चुका था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुझे किसी तरह से कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। अब हम क्या करेंगे? सौरभ ने कहा। पता नहीं, लेकिन प्लीज़ बैठ जाओ, तुम्हारी चहलकदमी से मैं नर्वस हो रहा हूँ। मैं डरा हुआ हूँ, सौरभ ने कहा। मैं भी डर रहा था, लेकिन मैं यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकता था कि उसकी तरह मेरी घींगी बन जाए। किसी ने किसी को तो ठंडा दिमाग रखना ही था। मैंने इससे पहले कभी कोई डेड बॉडी नहीं देखी, सौरभ ने कहा। जैसा कि मैं तो मुर्दों के साथ ही रात दिन घूमता रहता था। भाई चुप, कुछ करो। शट अप सौरभ, मैं वही सोच रहा हूँ, तुम्हारे पास आइडियाज़ है? नहीं भाई, हमें यहाँ पर आना ही नहीं था। हम अपने अपार्टमेंट में ही दारू पार्टी करते हुए कितने खुश थे। मैंने तो पहले भी कहा था कि यहाँ आना बहुत बुरा आइडिया है। वह इसी तरह बड़बड़ाता रहा और मेरा दिमाग ख़राब करता रहा। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे एक ज़ोर से तमाचा जड़ दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। हाँ, यह सच था कि उसने मुझे यहाँ आने से मना किया था, लेकिन इसलिए मैंने उसे 5 मिनट तक मुझे सुनाने का मौका दे दिया। उसके बाद वह खुद ही थककर कमरे में वुडन इजी चेयर पर बैठ गया। हमारे पास अब कोई चारा नहीं था, हम किसी को इन्फॉर्म करना होगा, मैंने कहा। लेकिन कैसे? हम उन्हें क्या बताएंगे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, एक गर्ल्स हॉस्टल के रूम में इस समय, जबकि रूम में रहने वाली लड़की मर चुकी है? तो क्या करें, यहाँ से भाग चले? हाँ, शायद बाहर अभी भी अंधेरा है, जैसे आए थे वैसे ही चले जाते हैं, मैं सोचने लगा। हम यहाँ से निकलेंगे, घर जाकर सो जाएंगे और सोचेंगे कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन यह आइडिया मुझे ठीक नहीं लग रहा था। उसकी मौत कैसे हुई, मैंने कहा। क्या?
ज़्यादा की मौत कैसे हुई? अभी एक घंटा पहले तो वह एकदम ठीक थी। भाई अभी मुझे इसकी परवाह नहीं है, अभी हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना है। वो तो बीमार भी नहीं थी। हाँ तो किसी ने उसे मारा है। सौरभ अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। क्या तो क्या हम एक मर्डर सीन में मौजूद हैं? भाई जल्दी से चलो यहाँ से। वह खिड़की पर चला गया। हम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते गोलू, प्लीज़ बैठ जाओ, ठंडे दिमाग से इस पर सोचते हैं। वह भारी कदमों से लौट कर आया और इजी चेयर पर बैठ गया। लेकिन हमें यहाँ क्यों रुकना चाहिए? ताकि लोग हमें खोज निकालें और यह मान लें कि हमने ही यह सब किया, उसने कहा। लेकिन अगर हम यहाँ से भाग गए तो वह हर हाल में यही सोचेंगे कि हमने ही किया। लेकिन उन्हें पता भी कैसे चलेगा कि हम यहाँ पर आए थे? सौरभ ने अपने चेहरे से पसीने पोंछते हुए कहा। बाहर अभी भी अंधेरा है, चलो निकलो यहाँ से। तुम समझ नहीं रहे हो, यह बहुत बड़ा मामला है। IIT हॉस्टल में एक PhD स्टूडेंट का मर्डर। IIT ही नहीं, पूरे पुलिस सिस्टम और मीडिया का ध्यान अब इसी वारदात पर रहेगा। तो सौरभ ने इजी चेयर के आर्म रेस्ट को पकड़ते हुए कहा। तो क्या वो लोग छानबीन करेंगे? लेकिन यहाँ तो कोई भी कर सकता है। अकेले कैंपस में ही हजार से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। लेकिन हो सकता है कि मेन गेट के गार्ड को हमारे बारे में याद रहे। और हाँ, चेक पोस्ट वाले पुलिस वालों को तो मेरी बाइक का नंबर भी पता है। और यहाँ भी इस रात को हम लोग कैंपस में आए थे। तो क्या हम तो यहाँ पर एक राइड लेने आए थे? फिर तो वो लोग रूम में फिंगरप्रिंट सर्च करेंगे। मेरी उंगलियाँ के निशान खिड़की पर है, बेड पर है, उसके चेहरे पर है। फिंगरप्रिंट्स, सौरभ ने मेरे शब्द दोहराते हुए कहा। हाँ, जैसे कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स जो ठीक इस वक्त इजी चेयर पर है, मैंने उसे कहा। उसने फौरन आर्मरेस्ट पर अपने पकड़ ढीली कर दी। भाई ये क्या चल रहा है, कोई क्राइम पेट्रोल सीट? उसने कहा और उठ खड़ा हुआ। क्या हम सब कुछ पोछ कर यहाँ से रफा दफा नहीं हो सकते? मैंने तो यहाँ से फौरन चलने को जाना चाहता हूँ। गोलू हम कहीं नहीं जा सकते, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं गोलू, अगर हम अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाकर यहाँ से भाग गए तब ज़रूर हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो अब हम क्या करें? हम यहीं रुकेंगे और सच बताएंगे। क्या सच? यह कि हमने एक बोतल विस्की पी, फिर नशे की हालत में गाड़ी चलाई, फिर पुलिस वालों को गच्चा दे दिया, फिर फर्जी ID कार्ड दिखाकर यहाँ चले आए, पेड़ पर चढ़कर इस लड़की के रूम में घुस गए, वो भी इतनी रात गए। भाई तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? हाँ ये सब गलत चीज़ें हैं, लेकिन कम से कम ये मर्डर करना तो नहीं है। मर्डर? तुम इस शब्द का इस्तेमाल भी कैसे कर सकते हो? हमने कुछ भी नहीं किया है। जानता हूँ, और इसलिए हमें यह सबको बताना होगा। अब ये बताओ कि हम सबसे पहले किसे कॉल करें? मैंने अपना फ़ोन निकाल लिया। आर यू श्योर भाई? क्योंकि आज के दिन तुमको कोई बहुत अच्छे आइडियाज़ नहीं आ रहे। अगर तुम जाना चाहते हो सौरभ, तो जा सकते हो, मैंने कहा। सच में उसे इस सब का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं थी। मेरा वो मतलब नहीं था भाई, लेकिन मेरा यही मतलब था, क्योंकि अब इस पर बखेड़ा तो होगा। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हमने दारू पार्टी के दौरान यह तय नहीं किया था कि हम जो भी करेंगे साथ साथ ही करेंगे? उसने कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। कुछ मायनों में एक बेहतरीन दोस्त का होना किसी प्रेमिका के होने से बहुत ज़्यादा बेहतर है। आई लव यू मैन, मैंने कहा। मी टू भाई, तो तुम किसको कॉल करने जा रहे हो? उसका पेरेंट्स, उसका बॉयफ्रेंड या पुलिस? ये चॉइसेस है। हम सीधे नीचे भी जा सकते हैं और वॉचमैन को सब कुछ बता सकते हैं, उसे ही सबको कॉल करने देते हैं। उसने बात तो पक्के की कही थी, आइडिया बुरा नहीं था, लेकिन मैं रुक गया। लेकिन क्या, लेकिन अगर हमने खुद को ही इन्हें कॉल नहीं किया तो वो हमेशा शक की नज़र से देखेंगे। पहले हम उन्हें कॉल करते हैं और फिर वॉचमैन के पास जाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी पुलिस को कॉल नहीं किया था, सौरभ ने कहा। मैंने भी, लेकिन मैं पुलिस को सबसे बाद में फ़ोन लगाऊंगा। पेरेंट्स, यह भी बहुत मुश्किल होगा। सबसे पहले मैं रघु को कॉल लगाता हूँ। तुम्हारे पास उसका नंबर है? हाँ, उसने इससे पहले मुझे कभी कभार कॉल किया था, यह कहने के लिए कि मुझे जारा से दूर रहना चाहिए। मैंने उसका नंबर सेव कर लिया था ताकि अगर जारा मुझे कभी ब्लॉक कर दे तो उस तक पहुँचने का कोई रास्ता मेरे पास रहे। मैंने टाइम देखा, 3:36 हो रहे थे। मैंने उसका नंबर डायल किया, फ़ोन की घंटी बजी, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। सबसे अंत में मुझे तेलुगु में एक सर्विस मैसेज सुनाई दिया।
जो शायद यह कह रहा था कि इस व्यक्ति तक पहुंच पाना संभव नहीं हो सकेगा। मैंने फिर कोशिश की और इस बार भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। लगता है वो सो रहा है, मैंने कहा। उसके डैड को फ़ोन लगाओ, सौरभ ने कहा। मैंने सफदर लोन का नंबर डायल किया। मैं सोच रहा था कि मैं उन्हें क्या कहूँगा। हाय अंकल, आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, मैं केशव बोल रहा हूँ। आपको याद है आपने मुझसे कहा था कि मैं आपके बेटी से दूर रहूँ। वेल, अभी मैं उसके रूम में हूँ और बाय द वे वो मर चुकी है। यस, सफदर लोन ने कहा। उनकी आवाज़ में नींद और गुस्सा मिला हुआ था। अंकल, मैं कैसो बोल रहा हूँ। पता है, तुमने समय देखा है? 3:38 हो रहे हैं अंकल। क्या चाहते हो? अंकल जा रहा। क्या? मिस्टर लोन जा रहा। तुम्हें उसे भूलना होगा। मेरे ख्याल से मैंने कई साल पहले भी यह साफ कर दिया था। तुम नशे में हो क्या? हाँ, मैं नशे में तो था, लेकिन उस नशे का एक बड़ा हिस्सा अभी तक काफूर हो चुका था। अंकल प्लीज़ मेरी बात सुनिए, यह बहुत ज़रूरी है, मैंने खुद को संभालते हुए कहा। क्या? मैं उन्हें वह खबर नहीं सुना सका। क्या आप जारा के हॉस्टल आ सकते हैं अभी? क्या, क्यों? प्लीज़ फौरन आ जाइए, यह बहुत ज़रूरी है, मैं यहीं पर हूँ। क्या? मैंने फ़ोन काट दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके पिता से फ़ोन पर बात करने के बाद ही मुझे हकीकत का अंदाज़ा हुआ था कि जारा मर चुकी है। क्या वह कभी लौट कर नहीं आएगी? नहीं, मुझे खुद को संभालना था, मुझे अभी कुछ और कॉल करने थे। पुलिस, मैंने ज़ोर से कहा। पुलिस का नंबर है क्या? 100, सौरभ ने कहा। वह तो जनरल नंबर होते हैं, हमें लोकल पुलिस स्टेशन को फ़ोन लगाना चाहिए। यू मीन हमें उन पुलिस वाले को फ़ोन करके यहाँ बुलाना चाहिए जो अभी थोड़ी देर हमारा पहले पीछा कर रहे थे, सौरभ ने कहा। शट अप, मैंने कहा। मैंने अपने फ़ोन पर होज खास पुलिस स्टेशन का नंबर गूगल किया और उन्हें फ़ौरन कॉल किया। 5 रिंग जाने के बाद किसी ने फ़ोन उठाया। होज खास पुलिस, दूसरी तरफ से एक थकी हुई आवाज़ सुनाई दी। हमने आपको एक अपराध की सूचना देने के लिए फ़ोन लगाया है, मैंने कहा। सौरभ ने हाँ सहमी हुई नज़रों से मेरी तरफ देखा। तुम लोग कहाँ से बोल रहे हो? IIT दिल्ली, हिमाद्री हॉस्टल, रूम नंबर 105, मैंने कहा। अपराध क्या है? मर्डर एक स्टूडेंट का। तुम कौन बोल रहे हो? अब वह आवाज़ चौकन्नी हो गई थी। मैं केशव राज पुरोहित बोल रहा हूँ, मैं यहीं पर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, हिमाद्री हॉस्टल के एंट्रेंस पर। विक्टिम कौन है और उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? जारा लोन, मैं उसका दोस्त और एक्स IIT स्टूडेंट हूँ। वहीं पर रहो, हम एक टीम भेज रहे हैं। मैंने कॉल कट किया। सौरभ और मैं एक दूसरे की ओर देखे। नीचे चलकर वेट करें, सौरभ ने कहा। वह किसी भी तरह से इस रूम से बाहर निकल जाना चाहता था। हाँ, मैंने कहा। मैं खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोल दिया। कॉरिडोर खाली और अंधेरे से भरा था। सौरभ कमरे से बाहर चला आया, मैं भीतर ही रहा। क्या, अब चलो यहाँ से, सौरभ ने कहा। वेट ए मिनट, मैंने कहा और मुड़ गया। मैं उसके बेड तक गया, उस पर झुका, उसका माथा चूम लिया। उसके ठंडे चेहरे पर आंसू की एक बूंद टपक पड़ी। हैप्पी बर्थडे जारा, आई लव यू, जारा चुपचाप लेटी रही। भाई, सौरभ ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा। लेट्स गो, आ रहा हूँ, मैंने कहा। मैं सीधा खड़ा हो गया, एक बार फिर उसे देखा और कमरे से बाहर चला गया। हम नीचे उतर कर हिमाद्री के मेन एंट्रेंस पर चले गए। हॉस्टल से हमें बाहर निकलते देखकर वॉचमैन अपनी कुर्सी से चौंक कर उठ खड़ा हुआ। रुको, तुम लोग कौन हो? उसने कहा। वॉचमैन साहब, मैंने कहा, हमें आपसे बात करनी है। लेकिन तुम लोग यह गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहे हो? वॉचमैन साहब, हमारी बात तो सुनो, कोई मर गया है। क्या? उसने कहा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, मुझे पुलिस का सायरन सुनाई देने लगा। होज खास पुलिस मेरी उम्मीद से ज़्यादा चुस्त दुरुस्त निकली थी। एक दिल्ली पुलिस मारुति जिप्स हॉस्टल कंपाउंड में घुसी, उसके पीछे IIT दिल्ली सिक्योरिटी पेट्रोल कराई। जिप्सी में से 3 पुलिस वाले बाहर निकले। उनमें से एक ने टोपी पहन रखी थी और उनकी वर्दी पर तमगे थे। शायद वही इस ग्रुप में सबसे सीनियर थे। वे हमारी ओर बढ़े, मैंने नाम पढ़ा, विकास राणा। उनके पीछे पीछे 2 कांस्टेबल और IIT दिल्ली के 4 सुरक्षा अधिकारी भी चले आए। वॉचमैन उनको देखकर गस खाकर गिरते गिरते बचा। केशव राजपुरोहित कौन है? इंस्पेक्टर राणा ने भारी रोबीली आवाज़ में कहा। मैं हूँ सर, मैंने हाथ बढ़ाते हुए कहा, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। तुम्हें फ़ोन किया था? हाँ सर, मैंने कहा। मुझे मेरी दोस्त जारा लोन मृत अवस्था में मिली, रूम नंबर 105 में। सुरक्षा अधिकारी भौचक से मेरी तरफ देखते रहे। तुम कौन हो? एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा। स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट, मैंने कहा। 2013 बैच कामुक हॉस्टल, कुमाऊ हॉस्टल।
2013, तो तुम फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ उससे मिलने आया था, मैंने कहा, और आगे यह भी जोड़ दिया कि आज उसका बर्थडे था। लेकिन तुम गर्ल्स हॉस्टल में कैसे आ सकते हो? उनकी आवाज़ तेज होती जा रही थी। क्या हम अभी टाइम वेस्ट करने के बजाय बॉडी की तफ्तीश कर सकते हैं प्लीज, इंस्पेक्टर राणा ने कहा। कांस्टेबल ने जारा के कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए एक रुमाल का इस्तेमाल किया। एहतियात से, इंस्पेक्टर राणा ने कहा, वहाँ फिंगरप्रिंट हो सकते हैं। सारा पर मैंने एक दूसरे को देखा, दरवाजे के हैंडल पर हमारे सिवा और किसके फिंगरप्रिंट हो सकते हैं? पुलिस कमरे में घुसी। जारा की लाश वहीं पड़ी थी, चादर खिसकी हुई थी और बत्तियाँ जल रही थी। किसी भी चीज़ को छूना मत, इंस्पेक्टर राणा ने चेताते हुए कहा। हम पहले ही हर चीज़ को छू कर देख चुके हैं इंस्पेक्टर, मैं कहना चाहता था। एक कॉन्स्टेबल ने अपने फ़ोन से लाश की तस्वीर ली, क्योंकि इस समय ऑफिशियल फोटोग्राफर नहीं आ सका था। इंस्पेक्टर राणा बेड के पास गए और जारा की गर्दन का मुआयना किया। यह सुसाइड नहीं है, किसी ने इसका गला घोटकर हत्या की है। कमरे की खुली खिड़की से ठंडी हवा का एक झोंका भीतर चलाया। सभी चुप हो गए। एक सुरक्षा अधिकारी वॉचमैन से मुखातिब होकर बोला, लक्ष्मण ये कैसे हुआ? वॉचमैन ने दोनों हाथ जोड़ लिए। कुछ नहीं पता साहब, तुमने किसी को अंदर आते हुए देखा था? सुरक्षा अधिकारी ने उस पर चिढ़ाते हुए कहा। यहाँ कोई नहीं आया, मैं पूरे समय ड्यूटी पर था। तुम सो गए थे क्या, या अपनी पोस्ट छोड़कर कहीं और चले गए थे? इस बार निगरानी अधिकारी ने उस पर चिल्लाते हुए कहा। वॉचमैन ने सिर हिला दिया, उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन ठंडी हवा के कारण नहीं। सच सच बताओ, क्योंकि मैं वैसे भी एंट्रेंस के CCTV फुटेज देखूंगा, निगरानी अधिकारी ने कहा। आखिर निगरानी अधिकारी को भी किसी न किसी के सिर पर इस हादसे का ठिकरा फोड़ना ही था, क्योंकि उसके तमाम पेट्रोलिंग और निगरानी के बावजूद कोई कैंपस में आकर एक स्टूडेंट की हत्या कर गया था। नहीं साहब, मैं पूरे समय अपने ड्यूटी पर था और जाग रहा था, तो फिर ये दोनों हॉस्टल में कैसे आए? सुरक्षा अधिकारी ने मेरी और सौरभ की ओर इशारा करते हुए पूछा। इस सवाल का वॉचमैन के पास कोई जवाब नहीं था। निगरानी अधिकारी ने उसे तमाचा जड़ दिया, शायद वो पुलिस के सामने अपना रौब झाड़ना चाहता था। बंद करो ये सब, इंस्पेक्टर राणा ने कहा, हमारा काम तुम मत करो। सॉरी सर, निगरानी अधिकारी ने कहा। अपने जूनियर्स के सामने डपटे जाने पर अब वह शर्मिंदगी का अनुभव कर रहा था। शायद वह भी पुलिस में जांच अधिकारी बनना चाहता था। लोग बड़े होकर पुलिस वाला बनना चाहते हैं, एक इंजीनियर कॉलेज का निगरानी अधिकारी वाला कौन बनना चाहेगा? तुम वारदात को तो टाल नहीं सके, अभी कम से कम हमें ठीक से अपनी जाँच कर लेने दो, इंस्पेक्टर राणा ने कहा। निगरानी अधिकारी ने सिर झुका लिया। इंस्पेक्टर राणा उसके अनदेखी कर कमरे में चल गए। उन्हें जारा का फ़ोन दिखाई दिया। उन्होंने उसे चार्जर से बाहर निकाला और एक रुमाल की मदद से उसे उठा लिया। फिर उन्होंने उसे एक कांस्टेबल को दे दिया, जिसने उसे अपने प्लास्टिक बैग में रख लिया। फिर उन्होंने उसी डेस्क में उसका डॉक्यूमेंट्स चेक किए, लेकिन जारा के PhD सब्जेक्ट के कागज़ देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने उन्हें वापस डेस्क में रख दिया और खिड़की के पास गए। खिड़की अंदर से बंद थी। खिड़की बंद है यानी कातिल दरवाजे से आया था। मैं जानता था कि इस मौके पर कुछ भी बोलना मुसीबत को न्योता देना है, फिर भी मुझे कहना पड़ा। सर, खिड़की खुली थी, उससे मैं और सौरभ अंदर आए थे। वॉचमैन को वारदात की खबर देने जाने से पहले हमने इसे अंदर से बंद कर दिया था। अब इंस्पेक्टर हमारी ओर मुड़े। तुम दोनों हो कौन और यहाँ पर कैसे पहुँचे? सर, मैं हर चीज़ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैंने कहा। और फिर अगले 5 मिनट तक मैं इंस्पेक्टर को पूरी कहानी सुनाता रहा। और तब मैंने सौरभ को ऊपर बुलाया और हमने पुलिस को फ़ोन करने का फ़ैसला लिया। मैंने अपनी कहानी ख़त्म की। मैंने सभी के चेहरे को देखा, उनमें से किसी को इस कहानी पर यकीन नहीं था। सबसे ज़्यादा हैरानी तो निगरानी अधिकारी लग रहा था, वो कत्ल से भी ज़्यादा इस कहानी से नाराज मालूम हो रहा था। तुम पेड़ पर चढ़कर एक IIT गर्ल्स हॉस्टल के रूम में घुस गए, और वो भी आउटसाइडर होकर। तुम अपने आप को समझते क्या हो? सॉरी सर, वो एक भूल थी। लेकिन इंस्पेक्टर राणा चलकर मेरे सामने आ खड़े हुए और मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। मुझे अच्छी तरह घूर कर देखने के बाद वे सौरभ की ओर मुड़े और उससे पूछे, तुम्हारा दोस्त सच बोल रहा है? सौरभ फिल्म जग्गा जासूस के रणबीर कपूर की तरह बोला, हाँ सर। फिर तुम हकला क्यों रहे हो? ऐसा ही सर। आर यू श्योर कि तुम लोगों ने यह मर्डर नहीं किया है? राणा ने कहा। मुझे अपने पैरों तले जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। क्या हम पर ही शक किया जा रहा था? नहीं
सर, माँ कसम खाकर कहता हूँ, हमने नहीं किया। इंस्पेक्टर ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। मादर चौध, हर कातिल रसाला अपनी माँ की कसम खाता है। नहीं सर, लेकिन मैंने कहा। मैं उनकी भाषा से हैरान था। चुप, उन्होंने कहा, और फिर कांस्टेबल की ओर मुड़कर बोले, इन दोनों को पुलिस थाने ले जाओ। सर आप, इंस्पेक्टर राणा ने मुझे बीच में ही टोक दिया, और वॉचमैन का बयान भी लो, एंट्रेंस के सीसीटीवी फुटेज हासिल करो। किसी ने लड़की के पेरेंट्स को खबर की? मैंने की सर, उसके पापा आ रहे हैं, मैंने कहा। सौरभ ने मेरे हाथ पर चिकोटी काटी, यह बताने के लिए कि मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। एक कांस्टेबल ने एरिया को मार किया और तस्वीरें खींचता रहा। मैं और सौरभ चुपचाप एक कोने में खड़े रहे। निगरानी अधिकारी आईआईटी डायरेक्टर के फ़ोन करने के लिए बाहर चला गया। पुलिस वाले कमरे में यहाँ वहाँ चक्कर काटते रहे। क्या हो रहा है यहाँ? जारा कहाँ है? सफदर लोन की आवाज़ सुनकर सभी चौंक गए। भारतीय पुलिस थाने टाइम ट्रेवल का एक अच्छा जरिया मान सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि 70 के दशक में भारत कैसा था, जब कंप्यूटर नहीं थे और सरकारी दफ्तर टनों भूरे कागज़ के मलबे में दबे रहते थे, तो किसी पुलिस थाने की सैर कराइए। माना कि होच खास स्टेशन इतना गया बीता भी नहीं है, पर वहाँ पर दो कंप्यूटर थे, दोनों ही मोटे तगड़े CRT मॉनिटर्स वाले। उन पर 90 के दशक के विंडोज सॉफ्टवेयर चलाए जा रहे थे। सुबह के 9 बजे थे और थाना लोगों की भीड़ से इस तरह खचाखच भरा हुआ था जैसे कि पुलिस 10 GB डाटा कार्ड फ्री में बांट रही हो। नींद और बीती रात के नशे से पहले ही मेरा सिर चकरा रहा था। थाने की रेलम पेल से मेरी हालात और ख़राब हो गई थी। सौरभ और मुझे अलग अलग बिठाया गया। वे नहीं चाहते थे कि हम दोनों आपस में साठ गांठ करके कोई फर्जी कहानी सुना डालें, जैसे कि अगर हम सच में ही वैसा करने चाहते हो। एक दूसरे को व्हाट्सअप करके वैसा नहीं कर सकते थे। मैं कई घंटों तक इंतज़ार करता रहा। आखिरकार इंस्पेक्टर राणा ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। ऑफिस क्या, दड़बा कहिए, जिनमें उनकी डेस्क और दो कुर्सियाँ जैसे तैसे ठूसी हुई थी। मैं उनके सामने बैठा तो मुझे जमाई आ गई। एक नज़र मुझ पर जमाए हुए वे एक फाइल पढ़ते रहे। नींद आ रही है? थोड़ा सा, मुंह धो आओ। ऐसे ही ठीक है, उन्होंने मुझे तीखी नज़रों से देखा। जो बोला है वो करो, उन्होंने कहा। मैंने उनकी बात मानने में ही भलाई समझी। एक घंटे बाथरूम के गंदे नल के गंदे पानी से मैंने अपना चेहरा धोया, फिर जाकर उनके ऑफिस में बैठे। इस बार मेरी आँखें पूरी तरह खुली हुई थी। मैंने तुम्हें बाहर बैठकर इंतज़ार करने को कहा। मैं तुम्हें लॉकअप में भी रख सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम वहाँ पर एक रात बिताना पसंद करते। मैंने मन ही मन कल्पना की कि मैं सलाखों के पीछे हूँ और मेरे पेरेंट्स को इस बारे में पता चल गया है। वैसे भी वे मुझ पर इतना चिल्लाते जितना कोई पुलिस वाला कभी नहीं चिल्ला सकता था। नहीं, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक नहीं था। नहीं सर, मैं बाहर ही ठीक हूँ। वैसे तुम्हें होना तो अंदर चाहिए था, अगर लड़की का कत्ल तुमने ही किया हो तो। मैंने नहीं किया है सर, मैं ईमानदारी से कहता हूँ। यह मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मैं उससे प्यार करता था सर। जारा मेरी दुनिया थी, मैं उसे भला क्यों मारूँगा? क्योंकि तुम उसे हासिल नहीं कर सकते थे। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, उसने खुद मुझे मैसेज करके बुलाया था। मैंने अपना फ़ोन उनके सामने बढ़ा दिया। उन्होंने मेरी और जारा की आखिरी व्हाट्सएप चैट्स देखी। मेरे बैच में से किसी से भी पूछ लीजिए, वे आपको बताएंगे कि जारा मेरे लिए क्या थी। इंस्पेक्टर चेट्स को देखते रहे, मैं बोलता रहा। मैंने पुलिस को बुलाया सर, मैंने उसके पिता को बुलाया, मैंने तो उसके बॉयफ्रेंड को भी खबर करने की कोशिश की थी। क्या बॉयफ्रेंड? हाँ, रघु। उसने फ़ोन नहीं उठाया, शायद इसलिए कि बहुत रात हो चुकी थी। वह हैदराबाद में रहता है। मुझे उसका नंबर दो। उसका नंबर मेरे फ़ोन में है, रघु वेंकटेश। इंस्पेक्टर ने रघु का नंबर नोट किया। एक कॉन्स्टेबल अंदर आया। जारा लोन के पिता उसकी लाश को अपने साथ ले गए हैं, उन्होंने कहा। व्हाट द हेल, इतनी भी क्या जल्दी थी? इंस्पेक्टर राणा इससे नाखुश नजर आ रहे थे। उसके पिता बड़ी शख्सियत है, शायद उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स की मदद ली होगी, कॉन्स्टेबल ने कहा। उसके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? वेस्ट एंड ग्रीन्स में, यह दिल्ली बॉर्डर पर शिव स्टेचू के पास है, कॉन्स्टेबल ने कहा। रिच गर्ल, इंस्पेक्टर ने मखौल के अंदाज में कहा। उन लोगों से पोस्टमार्टम के बारे में बात करो। मैंने बात की थी लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया, अभी वे लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, कांस्टेबल ने कहा। सर आप इन मुसलमानों को तो जानते ही हैं, इनका महजब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मुर्दे की चीर फार की जाए। अगर हम प्रेशर डालेंगे तो इससे और तमाशा ही होगा। लेकिन बिना ऑटोप्सी के हम
कैसे केस को सॉल्व कर पाएंगे? इंस्पेक्टर राणा ने चिल्लाते हुए कहा। कांस्टेबल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप सिर झुकाकर वहां से निकल गया। कांस्टेबल के जाने के बाद इंस्पेक्टर राणा मुझसे मुखातिब हुए। तुम तो उसको प्यार करते थे ना, तो तुम उदास क्यों नहीं हो? पता नहीं सर, मुझे पता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं इस खबर पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ। जल्दी मेरी नींद खुलेगी। जो होना था वो हो चुका है। जारा लोन मर चुकी है और बहुत मुमकिन है कि तुमने ही उसे मारा हो। मौका या वारदात पर तुम मौजूद थे और शराब के नशे में थे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। पूर्व प्रेमी जो उसे भूलने में नाकाम साबित हो रहा था, उसने तुम्हें फ़ोन करके बुलाया। तुम आए और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की।